हेलो एवरीवन, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स, एक तरह से सिनोनिम्स हैं और आप इन्हें अपनी राइटिंग में और स्पीकिंग में डिफरेंट तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज़ अ डिक्रीज। अ डिक्रीज मतलब कुछ कम होना। सो डिक्रीज की जगह पर आप और क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं? अ फॉल, अ ड्रॉप, अ डिक्लाइन, अ रिडक्शन। नेक्स्ट वन इज अराइज। अराइज मतलब कुछ बढ़ना। सो वी कैन यूज एन इंक्रीज, अ ग्रोथ इंस्टेड ऑफ दैट। नेक्स्ट वन इज ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब जो पहले ही हो चुका है, और वी कैन ऑल्सो यूज नॉट येट। नेक्स्ट वन इज अपेयर ऑफ। अपेयर ऑफ मतलब दो चीजें, सो वी कैन यूज टू एज वेल। नेक्स्ट इज एंटीसिपेट। एंटीसिपेट की जगह पर और क्या यूज कर सकते हैं? फोरशैडो। नेक्स्ट है ऑडियंस। ऑडियंस को और क्या बोलते हैं? व्यूअर। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल को और क्या बोल सकते हैं हम? अनयूजुअल। अटैक, वी कैन यूज असॉल्ट वर्ड एज वेल इंस्टेड ऑफ अटैक। नेक्स्ट वन इज अम्यूजिंग। अम्यूजिंग मतलब कोई फनी चीज, फनी, ह्यूमरस, इसके सेम वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल की जगह पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं? फेक, सिंथेटिक और फॉल्स। अमेजिंग। अमेजिंग की जगह पर क्या यूज किया जा सकता है? फैंटास्टिक, फैबुलस एंड वंडरफुल। लास्ट वन इज एम्पल। एम्पल मतलब उसकी जगह पर क्या क्या वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं? इनफ, सफिशिएंट एंड अर्जन। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करें, और आगे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।